प्यार में रुसवा हो कर रोना पड़ता है, दागों को अश्कों से धोना पड़ता है, गाली सुनकर उसकी चुप हूं क्या करता, कुछ पाने को कुछ तो खोना पड़ता है, कुछ पाने को कुछ तो खोना पड़ता है। क्या मेरा मुकद्दर है, क्या खुदा की मर्जी है, मरहूमों की बस्ती में रोज जख्म खाता हूँ। क्या मेरा मुकद्दर है, क्या खुदा की मर्जी है, मरहमों की बस्ती में रोज जख्म खाता हूँ। दुश्मनों से ऐसी भी जंग मेरी होती है, जर्ब वो लगाते हैं और मैं मुस्कुराता हूँ। जर्ब वो लगाते हैं और मैं मुस्कुराता हूँ। नो धड़ाम धुड़ूम, कोई धूम धड़ाका नहीं, सुकून के माहौल में गजल सुनाने जा रहा हूँ। समाप्त करें, गजल को गजल की तरह पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अम्मा जान, मतलब सुनना गजल का, जैसा मुझे आपने गाड़ी में कहा था, कोशिश कर रहा हूं वैसा मतलब पढ़ने की। और जो लोग मोहब्बत में टूट गए हैं उनसे तवज्जो चाहूंगा। कल्लू भाई, मोहम्मद साहब, इकबाल साहब, फयाज साहब, हमारे रईस साहब, दिगर अहले कमेटी, सदर साहब, महमूद साहब, खुद को दुनिया, खुद को दुनिया की निगाहों, खुद को दुनिया की निगाहों से छुपा कर रोए, खुद को दुनिया की निगाहों से छुपा कर रोए, खुद को दुनिया की निगाहों से छुपा कर रोए, खुद को दुनिया की निगाहों, खुद को दुनिया की निगाहों से छुपा कर रोए, हम तेरी याद को सीने से लगा कर रोए, हम तेरी याद को सीने लगा कर रोए, हम तेरे लगा कर रोए, हम तेरे खुशी ने लगा कर रोए, हम तेरे खुशी ने छुपा कर रोए, खुद को दुनिया की निगाहों से छुपा कर रोए, खुद को दुनिया की निगाहों से छुपा कर रोए, हम तेरी याद को सीने से लगा कर रोए, हम तेरी याद को सीने से लगा कर रोए। अगर रईस भाई, कुछ मेरे मेहमान जो हैं,
अगर ये चले जाते तो मैं ये गजल नहीं पढ़ता। लेकिन संजू बाबा को, आप लोगों को, रईस भाई आप लोगों का जौक शौक देखकर मैंने इस गजल का इंतखाब किया। गजल का मतलब आपने सुना, खुद को दुनिया की निगाहों से छुपाकर रोए, हम तेरी याद को सीने से लगाकर रोए। आइए गजल का पहला शेर। हमसे अशकों की भी रुसवाई गवारा न हुई, हमसे अशकों की भी रुसवाई गवारा न हुई, अजी हमसे अशकों की भी रुसवाई गवारा न हुई, जब भी रोए तो चराहों को बुझा कर रोए, जब भी रोए तो चराहों को बुझा कर रोए, जब भी रोए तो चराहों को बुझा कर रोए, जब भी रोए तो चराहों भी रुसवाई गवारा न हुई, अशकों की भी रुसवाई गवारा न हुई, हमसे अशकों की भी रुसवाई गवारा न हुई, जब भी रोए तो चराहों को बुझा कर रोए, जब भी रोए तो चराहों को बुझा कर रोए। अंधेरा मुझको लुभाता है रोशनी की तरह, अंधेरा मुझको लुभाता है रोशनी की तरह, निभा लिया है गमों को भी हर खुशी की तरह, तेरे बगैर मेरी जिंदगी का आलम देख हर एक लम्हा गुजरता है खुदकुशी की तरह, तेरे बगैर मेरी जिंदगी का आलम देख हर एक लम्हा गुजरता है खुदकुशी की तरह। मामा साहब अगर दिल टूट जाए तो बड़ी तकलीफ होती है, कोई अपना सताए तो बड़ी तकलीफ होती है, समझकर अपना जिसको अपने सीने से लगाया था वो चेहरा याद आए तो बड़ी तकलीफ होती है। समझकर अपना जिसको अपने सीने से लगाया था अगर दिल टूट जाए तो बड़ी तकलीफ होती है, कोई अपना सताए तो बड़ी तकलीफ होती है, समझकर अपना जिसको अपने सीने से लगाया था वो चेहरा याद आए तो बड़ी तकलीफ होती है। आइए जनाब, गजल का ये दूसरा मतला रख रहा हूं, हुस्न मतला। संजू बाबा तवज्जो चाहूंगा, अमाजान बिलखुसूस तवज्जो आपसे भी, मंसूर भाई, रईस साहब, मेरे सभी हाजरीन। घर में इस तरह तेरी याद मना कर रोए, तेरी याद मना कर रोए, जान ले लेगा एक बार भाई सानी मिश्रा। घर में इस तरह तेरी याद मना कर रोए, तेरी एक निशानी को सजा कर रोए, तेरी एक एक निशानी को सजा कर रोए, तेरी एक एक निशानी को सजा कर रोए, तेरी एक एक निशानी
घर में इसी तरह घर में तेरी याद की खुशबू सुहानी रह गई, घर में तेरी याद की खुशबू सुहानी रह गई, तू तो रुखसत हो गया तेरी निशानी रह गई। घर में तेरी याद की खुशबू सुहानी रह गई, तू तो रुखसत हो गया तेरी निशानी रह गई। कर तो ली आबाद बेटों ने हवेली शहर में, और गाँव में बुजुर्गों की निशानी रह गई। घर में इसी तरह तेरी याद। परदेश में रहने वाला कहता है कि जब अपनी जिंदगी के खुशनुमा पैकर की याद आई, बहुत रोए हमें परदेश में जब घर की याद आई। गजल हमने यहाँ छेड़ी वहां आंखें छलक उठी, बताओ तो तुम्हें भी क्या किसी दिलबर की याद आई। गजल हमने यहाँ छेड़ी वहां आंखें छलक उठी, बताओ तो तुम्हें भी क्या किसी दिलबर की याद आई। जनाब इसी इन शेरों में एक शेर ऐसा है फया साहब जो इस मौजू से हटके सुनाना चाहता हूँ। शेर है, पहले बैठ जाओ आप लोग। अरे भाई मेरे संजू बाबा का मुझे सुन लेना ही, ये बस महफिल में बैठे रहे मुझे एनर्जी मिलती रहती है। कोई एक ऐसा होता है जिससे मोहब्बत होती है दिल से। रईस भाई ये शेर जो कुछ मिसरे पढ़ रहा हूं तो वो जो चाहूंगा जरा इस मौजू से हटके कि जब अपनी जिंदगी के खुशनुमा पैकर की याद आई, बहुत रोए हमें परदेश में जब घर की याद आई। गजल हमने यहाँ छेड़ी वहां आंखें छलक उठी, बताओ तो तुम्हें भी क्या किसी दिलबर की याद आई। ये मखमल के बिछौने रात भर चुभने लगे मुझको, गजल हमने यहाँ छेड़ी वहां आंखें छलक उठी, बताओ तो तुम्हें भी क्या किसी दिलबर की याद आई। ये मखमल के बिछौने रात भर चुभने लगे मुझको, मुझे जब भी मेरे सरकार के बिस्तर की याद आई। ये मखमल के बिछौने रात भर चुभने लगे मुझको, मुझे जब भी मेरे सरकार की बिस्तर की याद आई। जनाब अब ये जो शेर पढ़ने जा रहा हूं, बेटा जरा सीधे बैठ जाओ। मैं नौजवानों से माजरा चाहूंगा अगर शेर समझ में ना आए, लेकिन मैंने इस शेर में क्या मंजर रखा है तवज्जो फरमाए। अम्मा जान तवज्जो चाहूंगा। आंख से आंसू जो गिरते हैं गोहर बनते हैं, आंख से आंसू जो गिरते गोहर बनते हैं, आंख से आंसू जो गिरते हैं गोहर बनते हैं। कब कब एक माँ, एक माँ जब भी मुसल्ले को बिछा कर रोए, एक माँ जब भी मुसल्ले को बिछा कर रोए, एक माँ जब भी मुसल्ले को बिछा कर रोए, एक माँ जब भी मुसल्ले को बिछा कर रोए, एक माँ जब भी मुसल्ले को बिछा कर रोए। रईस भाई ऐसा शेर लेकर जा रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला अजीम को दुआओं में याद रखना। अब जो शेर पढ़ रहा हूँ, उम्र भर हंसते रहे जो
मेरी नाकामी पर उम्रे भरे हंसी दे रहे जो मेरी नाकामी पर। ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है, ये सारा किसी काम का नहीं, ये तो ऐसा ही है। उम्र भर हंसी दे रहे जो मेरी नाकामी पर, वो जनाजा मेरा कांधों पे उठा कर रोए, वो जनाजा मेरा कांधों पे उठा कर रोए, वो जनाजा मेरा कांधों पे उठा कर रोए, वो जनाजा उठा कर रोए, वो जनाजा मेरा कांधों उठा कर रोए। उम्र भर हंसी दे रहे जो मेरी नाकामी पर, उम्र भर हंसी दे रहे जो मेरी नाकामी पे, उम्र भर हंसी दे रहे जो मेरी नाकामी पे, उम्र भर हंसी दे रहे जो मेरी नाकामी पर, वो जनाजा मेरा कांधों, वो जनाजा मेरा कांधों पे उठा कर रोए, वो जनाजा मेरा कांधों पे उठा कर रोए, वो जनाजा मेरा कांधों। गजल का आखिरी शेर, गजल बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी अच्छी लगती है, और इस आखिरी शेर में बिलखुसूस रईस भाई से तवज्जो, पैसे जरूर देना क्योंकि शेर ही ऐसा पढ़ रहा हूं। नहीं नहीं, डिमांड नहीं करूंगा, हो सकता है इनका दिल 1000 देने का हो, खैर। और हमारी अम्मा जान मुझे सुन रही हैं, आपकी दुआएं काफी हैं मेरे लिए, आपका सुन लेना मेरे लिए अवार्ड है, अवार्ड। आइए शेर सुनिए। हमने अंजाम वफा जिस घड़ी पूछा उनसे, हमने अंजाम वफा जिस घड़ी पूछा उनसे, वफा का क्या अंजाम हुआ, वफा की क्या हालत है, वफा कैसी है, वफा का क्या हाल है। हमने अंजाम वफा जिस घड़ी पूछा उनसे, तो एक टूटी हुई तुरपत को दिखा कर रोए, एक टूटी हुई तुरपत को दिखा कर रोए, एक टूटी हुई तुरपत को दिखा कर रोए, कल्लू भाई की फरमाइश दोबारा पढ़ूं ये शेर। हमने अंजाम वफा जिस घड़ी पूछा उनसे, हमने अंजाम वफा
पूछा उनसे। मुकद्दर रूठ जाता है, वफा हाथों को मलती है। मुकद्दर रूठ जाता है, वफा हाथों को मलती है। मोहब्बत जब अचानक अपनी नजरों को बदलती है। मुकद्दर रूठ जाता है, वफा हाथों को मलती है। मोहब्बत जब अचानक अपनी नजरों को बदलती है। हमारी जिंदगी भी असल में एक ऐसी तुरबत है, न जिस पे फूल चढ़ते हैं, न जिस पे शम्मा जलती है। हटे आएगा बेवफा इस घड़ी पूछा उनसे। हमने अंजामे वफा जिस घड़ी पूछा उनसे, तो एक टूटी हुई तुरबत, एक टूटी हुई तुरबत को दिखा कर रोए। एक टूटी हुई तुरबत को दिखा कर रोए। तो हम तेरी याद को सीने से लगा कर रोए। हम तेरी याद को सीने से लगा कर रोए। आइए चंद शेरों की एक और गजल मैं पढ़ दूं।